क्या बात है, अब लेट ज्वाइन किस लिए किए? हम लेट ज्वाइन किस लिए किए आप? लास्ट टाइम पता नहीं था क्या आपको? जल्दी सॉल्व करो, प्रॉब्लम इज गिवन। सॉल्विटेंस यार, के का वैल्यू कितना आया इसने निकाला? के का वैल्यू प्रिया निकाले आपका, के का वैल्यू कितना आया? सर सिक्स, सर सिक्स। ठीक ठीक आगे बढ़ो। नहीं होगा हम खुद करेंगे, टेंशन मत लो, बट कोशिश किया करो। शीला भट्टाचार्य जी, यू हेयर मी? शीला, प्रॉब्लम यस सर, सॉल्व हो रहा है? सही बोल रहा हूँ? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई क्यों, लास्ट क्लास में तो हुआ था, ट्राई क्यों? पढ़ती नहीं हो क्या घर में? चिल्ला, ट्राई क्यों, कॉन्फिडेंस किस लिए नहीं आ रहा है? लास्ट क्लास में तो बहुत स्ट्रगल प्रॉब्लम, आपने प्रैक्टिस नहीं किए थे। जो क्लास में पढ़ाई होता है उसका प्रैक्टिस नहीं करती हो? हाँ हेलो, हम सुन नहीं पाए क्या बोलिए आपने, आपका आवाज़ थोड़ा स्लो आ रहा है। चिल्ला बोलो, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करो। I have seen that WhatsApp में कुछ शेयर किया है। निशा साहब ने पूरा सॉल्व कर लिए, ये का वैल्यू 1/8 नहीं आएगा निशा, पूरे हेयर में निशा। यस सर, ये का वैल्यू में एक प्रॉब्लम है, ये का वैल्यू आपका आएगा 6। ठीक है, ओके सर, बाकी सब तो सही है बट के का भालू गलत है। सोमनाथ नारायण जी, क्या बात है? सोमनाथ घोष, कुडू हियर मी? सोमनाथ, सोमनाथ कैन यू हियर मी प्रॉपरली? हेलो सोमनाथ, हेलो, माइक ऑन करके बात करो। आईटी में श्रुति भी भेजी है, इसका आगे के का वैल्यू 6 तो निकल गया बट नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो है ना। जल्दी सीएसबीएस का जो सीआर अन्नस्वान मेघल, कैन यू हियर मी?
मेघल यस सर हाँ, आप आज भी आप लोगों को मतलब जैसे कॉल बनाए थे ना, इस वजह से रेगुलर बेसिस में बनाना है कि मतलब एब्सेंट डिलीट, ठीक है ना, हो जाएगा जैसे कॉल बनाए फॉर्मेट में बनाए थे ना मेघल और एन सर। यस सर ठीक है जल्दी। ऋचा कुमार हुआ क्या प्रणय पायल चौरसिया हुआ? हेलो हेलो पायल चौरसिया हुआ? जल्दी हरी अप, तमन्ना कहाँ तक पहुंची है आप? अन्ना साहब का नहीं हुआ? आयुष लास्ट क्वेश्चन वाला कर रही हूँ, सेंसेक्स का जब लास्ट वाला कर रही हूँ, लास्ट पार्ट का लास्ट लास्ट वन इज गोइंग ऑन ना। हाँ सर। एंड व्हाट अबाउट यू आयुष? What about you, Ayush? Ayush नहीं है देखो ना, अन्ना सर जल्दी 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 करो। मेघल नहीं हुआ क्या आपका? हेलो इतना लेट से नहीं हुआ? मेघल नहीं हुआ? नंदिनी पाल व्हाट अबाउट यू? मुझे करना होगा या समझ चुके हो मैडम? आप लोग कॉन्फिडेंट होकर बात क्यों नहीं कर रहे हो ना? कॉन्फिडेंट होकर बात क्या, एक बात बताओ ना सिंपल, आप कौन बात कर रहे हो मुझसे, क्या नाम है, कौन बोल रही थी आप? हेलो नहीं नहीं आप लोग वैसे हम बोलसर स्टूडेंट के जैसे तमन्ना परवीन से भी बात किए एंड बोलसर स्टूडेंट से बात की आप लोग ने, प्रॉब्लम क्या है पता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बेसिक प्रॉब्लम इज दैट, बेसिक प्रॉब्लम इज दैट आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिरा हुआ, ठीक है? अगर कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा तो क्या अन्ना सा एक बात सही से बोल सर, सही से एक बात बोल रहा। हेलो आप मुझे सुन पा रहे हो क्लियर अन्ना सर? हेलो हाँ सर। हाँ मुझे एक बात क्लियरली बोलना, मान लो अन्ना सर कैंपस इंटरव्यू में मान लो दो स्टूडेंट जाके इंटरव्यू दे रहे, एंड वन स्टूडेंट हैज
एक स्टूडेंट देखो, एक स्टूडेंट क्या है मतलब उनको जो सवाल पूछा गया था उनको ठीक से सवाल पता नहीं था, बट उन्होंने कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्स किया था, है ना। और एक स्टूडेंट को मतलब क्वेश्चन पूछा उनको तो पता था आंसर, बट कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए वो कह रहा था हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट आई थिंक सो लाइक दैट, है ना। बट एक ने क्या किया, कॉन्फिडेंटली बोला बट थोड़ा गलत हो गया। अब बताओ उन्होंने सर किसको कैंपस इंटरव्यू में लेना चाहिए। So obviously the first one who is confident enough. Obviously ना, क्योंकि कोई भी मैटर मान लो अगर आपको आपसे डील करना है, आप अगर मान लो इनकॉन्फिडेंट होकर काम कर दिए तो वो तो मतलब होगा नहीं ना। तो आप लोग मुझसे देखो मैक्सिमम क्या करोगे अन्ना सर, गलत करोगे करोगे ना। आप जो व्हाट्सएप में आपको आपको जो करने दिया गया आपसे अगर नहीं होता है तो आप गलत करोगी मैक्सिमम। गलत करोगी तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। गलत करोगी तो भी अच्छा है, तब आपको समझ में आएगा कहाँ मेरा गलत था। इसलिए तमन्ना ये सब बात मत किया करो, समझ रहे ना। यस सर, यू शुड ट्राई, कॉन्फिडेंट अपने से लाया करो। अगर इंटरव्यू में इस टाइप का बिना कॉन्फिडेंट होकर बोल दिया ना हाँ सर देखते हैं, तो बताओ आपको अगर कोई काम दिया जाएगा कंपनी से, आप अगर कस्टमर के साथ डील करोगे हाँ ठीक है कोशिश करते हैं आपका काम, आप खुद खरीदोगे उस, मान लो कोई भी कंपनी का, अगर मान लो कोई भी दुकान का कोई भी मैटर का आपसे अगर बात कर रहा है ऐसा, हाँ आप जो काम दे रहे उसका रिजन बता रहे हैं हाँ देखते हैं कोशिश करते हैं, आप उनसे करवाओगे या नेक्स्ट शॉप जहाँ पे बोल रहे हैं हाँ ये कर देंगे, कोई बात ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं। बताओ किससे खरीदोगे मैटर का, किससे काम करवाओगे आप, हेलो अनसा किससे करवाओगे तमन्ना, हेलो आवाज नहीं जा रही है क्या। सर जो कॉन्फिडेंट है वो उससे करेंगे। कॉन्फिडेंट होना यही हम बोल रहे हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, आंसर दे रहे हो वो गलत नहीं है, बट कॉन्फिडेंस का यहाँ पे लैकिंग हो रहा है सीरियस। ये किसका कॉपी है, किसका कॉपी है ये गलत हो गया, ये क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो निकाल ही नहीं पाए, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आया ही नहीं, सिंपल के का वैल्यू निकाले हो आप। जब आप यहाँ पे खुद से नहीं निकाले हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर दिया आपने, नहीं हो मैक्सिमम का ही नहीं हो रहा। जब भी आप लोग आंसर शीट भेजना अपना रोल नंबर नाम लिखना, अरे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाले तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन जीरो ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होगा, क्योंकि जीरो नहीं वन होगा। ये लेस देन जीरो किस लिए किया साइन, स्टार्टिंग तो आपका वन से हो रहा था ना, रेंज तो वन से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से क्यों कर दिया आपने, गलत हो गया थोड़ा सा। के का वैल्यू तो आया इसका आगे, अब हमने नाम रोल नंबर लिखना, कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोग का सर, नहीं हुआ ठीक से तो आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। सी द स्क्रीन, हेलो हेलो कैन यू सी द स्क्रीन, हाँ या ना। यस सर, यस सर। तो फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू कैसे आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सो सॉल्यूशन लिखना इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या होगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इफ एक्स जी एच इज इक्वल टू वन एस इट इज ए, बोलो मेरे साथ साथ इट इज ए प्रोबेबिलिटी, बोलो कौन सा फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डेंसिटी, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये डेंसिटी,
उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, समझे? जिस बिकम 1 टू 2 k इनटू x माइनस 1 2 माइनस x dx इज इक्वल टू 1 k इक्वल टू 6, ठीक है जी? समझे? समझे आप? k का वैल्यू 6 आएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय, मतलब के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू, सुन रहे हो? सुन पा रहे हो आप? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। जीरो अदरवाइज, है ना? तो देखो यहाँ पे एक्चुअली मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे आएगा? ठीक है जी, यही फॉर्मूला था? हाँ या ना? यस सर। तो देखो, यस सर, फर्स्ट रेंज देखो माइनस इनफिनिटी से स्टार्टिंग रेंज का पहले तक और लास्ट रेंज जाएगा 2 से इनफिनिटी तक, इस वजह से करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा इक्वल और लेस देन इक्वल एंड राइट हैंड साइड में लेस देन सिंबल रहता है, हालांकि माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के, ठीक है? क्योंकि इन्फिनिटी में कभी पॉजिटिव साइन नहीं होता। तो फर्स्ट रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन स्टार्टिंग रेंज का पहले तक, मतलब 1। तो यहाँ पे होगा माइनस इन्फिनिटी 2, 1 नहीं लिख पाएंगे, x लिख पाएंगे। व्हाई? बिकॉज x हैज नॉट अटेंड टू, इट इज नॉट इक्वल टू 1, 1 का अटेंड नहीं किया। लेस देन 1 मीन्स इट मे बी एनीथिंग, इट्स अ वेरिएबल, समझे? तो 1 का पहले कुछ प्रॉबिलिटी नहीं था, सो इसलिए 0 डी थी, समझे? हाँ या ना? यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, सो माइनस इन्फिनिटी टू 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा बिकॉज इट ऑलरेडी अटेंडेड 1, प्लस 1 टू x नॉट 2 बिकॉज x इज लेस देन 2, ठीक है ना? सो दैट फंक्शन, नो दैट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, बिकम गडिंग, ठीक है जी? समझे? हेलो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 बिकॉज 1 हैज ऑलरेडी बीन अटेंडेड, नाउ 1 टू 2 बिकॉज 2 हैज ऑल्सो अटेंडेड। आप लोग लास्ट क्लास किए थे ना? हेलो? यस सर। तो आप लोग सही से सॉल्व की इसलिए नहीं कर पा रहे थे, 2 टू x 0 dt, बिकॉज देर इज नो प्रोबेबिलिटी बियॉन्ड 2 एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन व्हाट एवर द डिफाइन दैट इट इज डिफाइंड इन द रेंज 1 टू 2, सो बियॉन्ड 2 इट इज 0। नाउ द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो, फर्स्ट रेंज 0 है ना? क्यों होगा या नहीं होगा? फर्स्ट रेंज 0 होगा ना? ये इंडिकेटर तो 0 आ जाएगा, 0। नेक्स्ट रेंज किसने किए? इंटीग्रेट एक्स का फॉर्म में आएगा, लास्ट आएगा 1, क्योंकि मुझे पता है जब
पॉजिटिव इन्फिनिटी को टच होता है तब ये वन आता है. बोलो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पता है क्या आप लोग किए? हेलो सर, 9x² - 2xq - 12x + 5 -2x² - 12x क्या बोले? -12x + 5 ओके. सो ये तो हो गया. अब मुझे क्या क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/4 < x < 3/2 तो दिस मीन्स f(3/2 - f(5/4 because if you know the distribution function, so there is no problem. I hope it is okay. Fine. Samjhaya. So if distribution function is known, then it is okay. No problem. If distribution function is known, just say for distribution function is known. अगर ये known नहीं होगा तो क्या करोगे? हाँ? इस question में तो known था. When it is known, when? बोलो. Probability distribution function. बोलो आप लोग इज नॉट नोन क्या करोगे? इंटीग्रेशन 5/4 - 3/4 = 3/2 Your mic is not working. Have you solved it? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मैं रुको ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है. ठीक है. हम कॉल देके बात करते हैं. हाँ बोलूँ. हाँ बोल.
Can you hear me? Hello? Yes, sir. हाँ तो बोल रहे थे if when probability distribution function is not known, ये problem में तो distribution function आप लोग खुद किए derive करके, but अगर known नहीं है तो क्या करोगे? बोलो, याद है कुछ? चल में? Distribution type by 4 by 2 ft dt. Very good. ft dt, जहाँ पे ft क्या है? Probability density function, है ना? So this become, चल में? बोलो. 5/4 3/2 6 × t − 1 2 − t dt. आई होप प्रॉब्लम समझ में आया सबको. हेलो स्क्रीन इज आई शेयरिंग योर स्क्रीन स्क्रीन नॉट विजिबल स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन कट गया. दिख रहा है? यस सर. लास्ट में हम एक ही सवाल पूछे थे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हम लोग निकाल लिए एफ 3/2 माइनस एफ 5/4 करके. सो व्हेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉट नोन, तब ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले? 5/4 to 3/2 सिंपली रिक्वायर टू इंटीग्रेट फ्रॉम 5/4 to 3/2 एफ टी डी टी, पर एफ टी इज 6 × t − 1 2 − t जो हम लोग निकाले थे. चाहे यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, व्हाट एवर इज इट सॉल्व, बट नया प्रॉब्लम. हेलो. यस सर. यस सर. इसका प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर. चलो ठीक है. अरे एक काम करो, आप लोग गूगल फॉर्म में अटेंडेंस दे चुके हैं? गूगल फॉर्म तो ऑन ही नहीं है. गूगल फॉर्म में अटेंडेंस देना स्टार्ट करना है. CSBS IT का भी करा देते स्टार्ट. और इसमें चैट सेक्शन में अपना रोल नंबर लिख देना. ताकि सीआर देख पाए. जब भी रोल नंबर लिखो तो कमेंट क्लास है ना, तो IT-roll-number CSBS-roll-number लिखो जल्दी. हेलो आरिएफ. गूगल फॉर्म भी हम खोल दिए IT का भी जल्दी. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे, क्या नाम है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मीन वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन मीन वेरिएंस. फर्स्ट चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. प्रोबेबिलिटी फर्स्ट चैप्टर था, रैंडम वेरिएबल सेकंड चैप्टर. बहुत सारे चैप्टर्स हैं यहाँ, कम से कम आपका 15 के ऊपर चैप्टर है. 16, 18 चैप्टर तो है ही है. 18 कंप्यूटर ऑनली 2 चैप्टर, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है. आप लोग का ये हो रहा है, मतलब जो असाइनमेंट दिया गया है? हेलो. यस सर. हो गया सर. सारे प्रॉब्लम बना चुके हैं हमने अनु. यस सर. सबमिट कर दिया. यस सर. किसी का अटेंडेंस देना चैट सेक्शन में लिया तुरंत दो. किसी का अटेंडेंस चैट सेक्शन में नहीं दिए तुरंत दो. गूगल फॉर्म में भी अन्नसा और मेघल अपने स्क्रीन शॉट ले लिए? यस सर. यस सर. तो सूर्य क्लोज द लिंक. अब गूगल फॉर्म IT फॉर NCSBS किसी को बात नहीं सर. ठीक है जल्दी करो. नो सर. जिस वजह से कल बनाए थे ना अन्यसार मेघल, उसी हिसाब से बना देना. रेगुलर उसी हिसाब से बनाना, तो मतलब मुझे एब्सेंस का चाहिए. ठीक है सर. फॉर्म काम नहीं कर रहा सर. गूगल फॉर्म कौन सा? IT हो या CSBS हो सर? IT सर. बट टाइप करते पाछी ना सर. फॉर्म टा खुलचे बा टाइप करते पाछी ना. तो चैट बॉक्स दिल होवे? हां ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो सर मेरा सेम हो रहा है सर. टाइप नहीं हो पा रहा.
नहीं नहीं वो नेटवर्क इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट सेक्शन में दे देना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए चैट सेक्शन में। ओके सो आई एम क्लोजिंग द क्लास, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।